हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास ऑफ। फाइनली जो है सेकेंड फेज़ का भी नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत ही अच्छी खबर है गाइस। जिसका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर जो एलिजिबल हैं सेकेंड फेज़ के लिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन या बीपीएससी जो ये साइट पर जाइएगा तब आपको देखिए आज का ही डेट में 27 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है, जिसमें लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लास 6 to 8 के लिए, 9, 10 के लिए और 11, 12 के लिए जो वैकेंसी आया है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली नोटिफिकेशन, एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, द्वितीय अध्यापक नियुक्ति यानी कि जो सेकेंड फेज का दिया हुआ है, एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आवश्यक सूचना। द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय यानी कि 6 to 8 का, फिर आपको 9, 10 का जिसको माध्यमिक बोलते हैं और उच्च माध्यमिक जिसको हम लोग 11, 12 बोलते हैं, तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक प्रधानाध्यापक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 नवंबर से शुरू हो जाएगा फॉर्म फिल करना, जो कि 14 नवंबर तक चलेगा। और देखिए ये डेट टेंटेटिव है, ये आपको ऊपर नीचे भी होता रहेगा जैसे जैसे जो भी, अगर मान लीजिए कुछ इसमें लग रहा है कि इम्प्रूव मतलब कुछ ऐड करना चाहिए तो ये डेट बढ़ेगा। मुझे लगता है ये डेट बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 10 से 11 दिनों में पॉसिबल नहीं होता, एटलीस्ट 20 डेज आपको मिलेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, और शायद ना भी भरे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपको साथ में ये भी बोल दिया है, एग्ज़ाम का डेट जो होगा वो 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक संभावित है। और संभावित यानी कि आप सोचिए ये श्योर शॉट ही है, क्योंकि आपको पता ही इलेक्शन है तो ये डिले नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए जो है जल्द से जल्द ये कंडक्ट कराया जा रहा है। 3 नवंबर को फॉर्म फिल, 3 नवंबर से 14 नवंबर तक फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसके बाद जो आपका रही बात एग्ज़ाम का तो वो 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक हो जाएगा। और साथ में लिखा हुआ उपयुक्त तिथियों में बदलाव हो सकता है, मैंने ये टेंटेटिव डेट है, तो अच्छी खबर है गाइस, ये बहुत ही मतलब अच्छा न्यूज़ है। अब जो जिसका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है फेज़ वन में, अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो आप सेकेंड फेज़ के लिए तैयारी कीजिए। रही बात वैकेंसी का, तो वैकेंसी भी जो है 1,10,000 के आसपास ही आने वाला है, और मुझे लगता है कि इसमें 1 to 5 का भी कुछ सीट जरूर ऐड होगा। और साथ में एक ऐसा भी बोला जा रहा है कि इसमें नॉन टेक्निकल टीचिंग यानी कि टीचिंग से रिलेटेड जो नहीं पोस्ट है उससे भी वैकेंसी इसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो अच्छी खबर है गाइस, गुड न्यूज़ है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तैयारी जोरों शोरों से कीजिए। टाइम आपको पता चल गया है, मतलब एग्ज़ाम डेट क्या है आपको 7 दिसंबर से 12 दिसंबर, मतलब 10 दिसंबर, तो आपको ऐसा सोचना है कि 7 दिसंबर को ही आपका एग्ज़ाम होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दवा के एनसीईआरटी पढ़िए आप क्लास 6 से लेकर 12 तक हर सब्जेक्ट का। बाकी आप जिसमें आपका जो कोर्स सब्जेक्ट होगा, अगर जैसे मान लीजिए आप एसएसटी का टीचर बनना चाहते हैं तो एसएसटी पढ़िए दवा के, और साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो साइंस पढ़िए दवा के, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा आपको। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।